बैठों पर देखिए कृष्ण बंसुरी बजाए। ब्रज में कितने लोग थे, कितने लोग थे, उनका सखाए थे, उनकी माताएं थी, उनकी सब कितने कितने भक्त लोग थे, लेकिन जब उन्होंने बंसुरी बजाई ना, वो सब नहीं आए। कौन आए? ब्रज गोपियां आए। बोले क्यों? और सबके सब क्यों नहीं आए? बोले उनकी बंसी ध्वनि दो तरह का है, एक है सर्वभूत मनोहर और एक गोपी भूत मनोहर। कृष्णा कभी कभी ऐसे बंसुरी बजाते हैं जो बंसी ध्वनि को सबके सब सुन सकते हैं, सबके सब सुन सकते हैं, लेकिन कभी कभी कृष्णा ऐसे बंसुरी बजाते हैं जो बंसी केवल गोपियां ही सुन सकती है। इसलिए उन्होंने बंसी पेटिकोट नीचे जो बंसुरी बजाए, अगर वो सर्वभूत मनोहर होता है ना, सबको सुन पाए, पूरा आगे पूरा ब्रज की ब्रज ही वहां पर आ जाते, लेकिन वो सबको नहीं बुला रहे थे, वो गोपियों को बुला रहे थे। इसलिए वहां पर केवल ही गोपियां वहां पर आई। जब गोपियां आई ना, लेकिन कोई रसोई बना रही थी, पति सेवा कर रही थी, बच्चे को दूध पिला रही थी, कोई वहां पर है गोद दहन कर रही थी, लेकिन सबके सब काम को छोड़ करके उन्होंने जब आए रासलीला में, तब भगवान क्या कहते हैं? बोले स्वागतम मे महाभागा। कृष्ण उनको संबोधन किया है, बोले हे गोपियां, तुम लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, तुम लोग बड़ी भाग्यवती हो, स्वागतम मे महाभागा। केवल भाग्यवती नहीं, महाभाग्यवती हो। बोले क्यों? बोले संसार का सारे है सारे संबंध को तोड़ करके, सारे समस्या को तोड़ करके सबके सब तुम लोग मेरे पास में आए हो, इसलिए मैं तुमको स्वागत करता हूँ। मतलब क्या है? देखो आप सबका घर में भी काम होगा, ऐसे कोई घर में नहीं होगा जो काम नहीं होगा, लेकिन आप सबके घर में काम ही होगा सब। लेकिन जो व्यक्ति सारे काम को पीछे रख करके भगवान की कथा में आते हैं ना, ठाकुर जी कहते हैं मैं उनको स्वागत करता हूँ, मैं उनको स्वागत करता हूँ। कलो महाभाग्यवती जगत में सबसे भाग्यवती हुए हैं जो कथा सुनने के लिए आते हो। इसलिए शंकर जी कहते पार्वती अति हरि कृपा जा पर हुई, पाव देहि यह संगत सोई। जिसको ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा हो पार्वती, तभी वही व्यक्ति ये कथा सुनने के लिए आती है। कथा की बड़ी महत्व है, आप लोग रामायण सुने होंगे। जब सती ने शरीर त्याग दी, शरीर को त्याग करके सती दूसरे जीवन में पार्वती बन करके आई, इसलिए पार्वती का एक नाम अपर्णा। अपर्णा क्यों? उसने बेल वृक्ष को नीचे बैठ कर तपस्या की शंकर जी को पाने के लिए। जब शंकर जी प्रसन्न नहीं हुए, उसने बेल पत्ता भी उसने त्याग दिया, इसलिए आ मतलब नहीं, वरना मतलब पत्ता, जिसने पत्ते को त्याग दे करके कठोर तपस्या की शंकर जी को पाने के लिए। जब शंकर जी दर्शन दिए, पर शंकर पार्वती की शादी हो गई, शंकर जी पार्वती से प्रश्न करते, बोले पार्वती तुमने इतने परिश्रम क्यों किया, इतने कठोर तपस्या तुमने क्यों की मेरे को पाने के लिए, बताओ तेरे को क्या चाहिए? अगर पति पत्नी को ये पूछे शादी तो बाद में, तेरे को क्या चाहिए, आप लोग बताओ तो क्या बोलोगे? बोले चलो कहीं हनीमून मनाने जाएंगे, हैं कहीं हमें घुमाने के लिए ले चलो, ना सिनेमा ले चलो, नहीं तो बाल में ले चलो, हमारे लिए ऐसे सूट और हमारे लिए ऐसे साड़ी, नहीं तो ये गहना, यही बोलेंगे ना लोग। लेकिन देखो जगदम्बा जगत जननी माँ पार्वती कहती है, बोले हे प्रभु मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने आपको पाने के लिए तपस्या की। शंकर जी कौन है? बोले वैष्णवा नाम जथा संभो, भगवान की सबसे परम प्रिय भक्त श्री शंकर जी। पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, पंचमुख में जो भगवान की गुणगान करते हैं, प्रभु की कीर्तन करते, जितने पुराण आप पढ़ोगे ना, ये शंकर पार्वती का संवाद है। शंकर जी सुना रहे हैं और भैया पार्वती बैठ करके सुनती हैं। पार्वती कहती है प्रभु केवल एक लोक से आपको पाने के लिए तपस्या की, भगवान की कथा सुनो, मेरे को ठाकुर जी की कथा सुनाओ, और मेरे अंदर में जो अज्ञान है ना, मेरे को सती शरीर क्यों त्याग देना पड़ा, कारण है आपने जो बात हमें बताया ये परम परम राम, मैंने विश्वास नहीं किया, इसलिए मेरे को ये शरीर त्याग देना पड़ा, इसलिए केवल हमें प्रभु की कथा सुना करके
हृदय में जो अज्ञान है ये अज्ञान को ठाकुर जी आप दूर करो, हमें नित्य निरंतर प्रभु की कथा सुना। इसलिए ये भागवत का एक नाम अमर कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत में हम कहते हैं ना भैया इसी मंदिर में आप दो दो तीन तीन घंटा कथा क्यों सुने, कथा सुनने में हमें मिलेगा क्या? हम कलयुग का जीव है ना, पहले फायदा देखते हैं, सबसे पहले फायदा देखते हैं। अगर उसमें किसमें ज्यादा फायदा हो ना, वो फायदा वाला काम को सबसे पहले करते हैं। अगर कोई प्रश्न करेगा भैया कथा सुनने पर हमें मिलेगा क्या, कुछ मिलेगा कि नहीं, दो तीन 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 घंटा बैठेंगे मिलेगा कि नहीं, तब राधा रानी कहती है देखो ये कथा सुनने पर तुम्हें जितने फायदा होगा ना, दुनिया में कोई बिजनेस में तुम्हें इतना फायदा नहीं होगी, ये कथा सुन करके तुम्हें जितने फायदा होगी। तब राधा रानी वो स्वयं ये कथा की महत्व क्या है ये राधा रानी स्वयं बोल रही है, बोले किसमें बोल रही है, बोले गोपी गीत में राधा रानी कहती है, बोले क्या कहती है, बोले तब कथा मृता ता लेकिन ये वैष्णव लोग कहते हैं बोले भैया असली अमृत
चंद्रमा भी नहीं, बोले क्यों, बोले खाए। पूर्णिमा में देखना पूर्ण चंद्र, लेकिन प्रथमा द्वितीय तृतीय करते करते खाए होते होते थे ना, अमावस्या को देखना पूरा अंधकार। बोले अगर अमृत चंद्रमा में होता चंद्रमा तो पूर्ण ही पूर्ण नहीं रहता, पर ये खाए क्यों होती है, इसलिए मतलब उसमें अमृत नहीं है। बोले तीसरा अमृत कहां पर, बोले बदनाम वास। बोले बोले माताओं की अधरा मृत में भी अमृत नीति शास्त्र कहता है, जिसको पति लोग पान करते हैं, लेकिन वैष्णव लोग कहते नहीं अमृत नहीं। बोले क्यों, बोले पति हता, अगर अमृत होता तो पति अमर रहता, वो पत्नी से पहले ही पति का राम नाम सत्य हो जाता है, फिर मरता है क्यों, मरता ही नहीं जिंदा ही रहता, इसलिए वहां पर भी अमृत नहीं। बोले चतुर्थ अमृत कहां पर, बोले फणिनाम निवास, जहां पर सर्प रहता है। बोले भैया वहां पर अमृत है, लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं बोले गरुड़ात त्रासात, ये गरुड़ का आहार ये सर्प है, गरुड़ को देखते सर्प भाग जाता है। बोले विषदंत पाता, उसका बीच बीच दांत टूट जाती है। बोले भैया वहां पर भी असली अमृत नहीं। बोले भैया मेरे अमृत का, बोले स्वर्ग में, जिसको देवता लोग पान करते हैं, लेकिन शास्त्र कहता है खिन्न पुण्य मर्त लोकम विसरंती, जब उनकी पुण्य समाप्त हो जाती है फिर इस मर्त जगत में आते हैं, फिर दुख कष्टों को भोग करते हैं, फिर स्वर्ग में ही रहते हैं, जब गिरते हैं फिर क्यों, ये इंद्र चंद्र ये तो पोस्ट है, जब इनकी परमाय खत्म हो जाता ना फिर यहीं पर आना पड़ता उनको, इसलिए वहां पर भी अमृत नहीं। बोले भैया फिर अमृत कहाँ पर है, राधा रानी कहती है केवल अमृत एक जगह पर और कहीं नहीं। बोले कहाँ पर है, बोले तब कथा अमृता तप्त जीवनम कभी निरीक्षितम कल्मषापहम। बोले केवल अमृत भगवान की कथा, इसलिए शुद्धा बहती कंठे भगवत जनानाम, केवल भगवान के भक्तों की कंठ में ही अमृत और अमृत कहीं नहीं है, केवल भक्तों का कंठ में, इसलिए कथा ही अमृत है। ये कथा कौन किसको सुनाए, ये संकट की पार्वती को सुनाए। बोले क्यों सुनाए, कारण क्या, बोले एक दिन नारद जी आए माता पार्वती के पास, आए तो एक दिन नारद जी माता पार्वती को, बोले पार्वती को बोले देखो आपका दुख को देख करके ना मेरा सहन नहीं होता है, आपका दुख देख करके मेरे को सहन नहीं होता है। बोले किस चीज दुख है, हम तो सुखी। बोले नहीं है, नहीं आप दुख की बात देख करके बड़ा कष्ट होता है। बोले बताओ ना किस चीज की दुख, बोलो छोड़ो बात बोल कर क्या होगा, अगर किसी माताओं को आधी बात बता दो ना पेट में हजम नहीं होती, जब तक तो पूरा बात को नहीं सुन लेते। नारद तो बोलना नहीं चाहते, बोले बता, बोले बोल कर क्या होगा, छोड़ो ना। फिर तो भैया को पार्वत में और भी खिलबिली मच गई, बोले बताओ ना क्या बात किया, हम तो सुखी है। नहीं बोले छोड़ो ना, बोले नहीं आप, आपका कसम आपको बोलना पड़ेगा। बोले देखो आपको पता है शंकर जी की और भी कोई शादी है, शंकर जी की और भी कोई पत्नी है, आपको बताए शंकर जी और भी कोई शादी की। बोले क्या बोल रहे हो, और भी शादी की। बोले हाँ आपको बोले, बोले नहीं देखो माताएं हर चीज को सहज कर सकती, लेकिन अगर पता चले उसका पति और किसको शादी किए और किसको प्रेम करे ना, माताएं सहन नहीं कर सकती है। अभी बोले भैया किसको, बोले देखो एक बात बता करके जाता हूँ, जब आज शंकर जी आए ना, अब मान भवन में लेट जाओ, जब शंकर जी आए उनको पूछना आपकी गला में ये मुंडक की माला किसने, सब बात पता चल जाएगी। नारद उठाया बिना और भाग गए वहां से। जब शंकर जी आए देखा भैया पार्वती मान भवन में लेट हुई, शंकर जी जाकर ऊपर में हाथ रखते पार्वती हाथ बताएगी, बोले भैया क्या बात है, मान क्यों की। बोले पहले तो मैं समझ रहे थे आप भोले बाबा, आज तक पता चला आप कबड्डी बाबा। बोले क्यों, बोले ये बताओ आप भी और किसको कहीं शादी करके रखे हो, और भी कोई पत्नी। बोले नहीं, बोले बताओ ये गले में मुंडे की माला किसने बताया। बोले भैया तुमको ये बात किसने बताया, बोले मेरे गुरु जी बताए, उनको गुरु जी श्री नारद जी, नारद जी बताए। बोले नारद जी सब जगह झगड़ा लगाता है, हाँ ये सब जगह के लिए झगड़ा लगाता है। बोले देखो सत पार्वती ये जो मुंडक की माला ये और किसी की नहीं है तेरी। बोले मेरी कैसे,
मेरे सर का मेरे शरीर में आपकी गुलाम कैसे आ गई। बोले पार्वती तेरे को पूर्व जन्म की बात याद नहीं, पहले तो सती थी, तेरे पिताजी मेरे को अपमान, इसलिए तुमने कनखल में अपना शरीर को तुमने त्याग दिया। जब जब तुम शरीर त्याग देती हो, मेरे तेरे सर को मेरे गले में माला रूप में मैं धारण कर लेता हूं। पार्वती बोली प्रभु ये जितने सारे मुंडमाला मेरी गुलाम तेरी है, मेरे को तेरे को छोड़कर मैं किसको जानता ही नहीं, ये तेरी है शादी और मैंने किसी को नहीं की, तेरे को ही मैं जन्म जन्मांतर में तेरे को मैं शादी करता हूँ। बोले प्रभु जी आप ऐसे कौन सा अमर वटी पान किए हो, आप अमर नहीं हो गए और मैं मरती जा रही हूँ। शंकर जी बोले पार्वती जब से मैंने ये श्रीमद भागवत कथा रूपी अमर वटी को मैंने पान की तब से अमरत्व को प्राप्त की। पार्वती बोली प्रभु मेरे को भी सुना दो। बोले चलो तेरे को एकांत में श्री तुमको अमरनाथ में लेकर की कथा सुनाऊंगा। आप लोग कोई अमरनाथ गए हो, कौन कौन अमरनाथ गए? एक माता जी हाथ उठा रहे, और कोई गए नहीं, और कौन? आप भी गए हो, इसलिए आप देखना अभी भी जहां पर शंकर जी पार्वती को कथा सुनाए ना, अभी वो स्थान है जहां पर उन्होंने कथा सुनाई। तब शंकर जी पार्वती को वहीं पर उन्होंने श्री अमर कथा उन्होंने सुनाई, और अमर कथा सुनाते सुनाते भगवत इच्छा से एक तोता वहीं पर बैठ करके इस कथा सुन ली। शंकर जी को जब पता चला उन्होंने बोला ये तो अमर कथा जो सुनेगा अमरत्व की प्राप्त करेगी। शंकर जी उसको पीछा की और वो तोता उड़ते उड़ते श्री पहुंचे बद्रीनाथ में। वहां पर श्री व्यास देव अपना पत्नी बिटका को भी कथा सुना रहे थे, और बिटका ऐसे मुंह खोल करके हाँ करते हुए कथा सुन रही थी, और तोता ने उनके मुंह में प्रवेश कर गई, और वही तोता ही श्री सुखदेव गोस्वामी रूप में प्रकट हुए और जगत में ये भागवत कथा को सर्वत्र प्रचार की। देखो कथा की कितने महत्व, ये चीज को समझो, शंकर जी जो सत्यम शिवम सुंदरम हम जिनको कहते हैं, शंकर जी स्वयं कहते हैं ये भागवत कथा सुन करके ही मैंने अमरत्व की प्राप्त की। तब तक ये माता को तब तक ये अमरत्व की प्राप्ति नहीं हुई जब तक माता स्वयं ये भागवत कथा को नहीं सुनी। जब से माता जी ने ये कथा सुनी तब से ये अमरत्व को प्राप्त की। ये चीज को समझो, ये भागवत कथा की कितने महत्व है। इसलिए राधा रानी कहती है श्याम सुंदर ये तुम्हारी कथा नहीं तब कथा अमृतम। श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। कथा कथा सुनने का पहला लाभ याद रहेगा आपको, कथा सुनने पर क्या होगा अमर बनेंगे, इतना ही याद रखो। कथा सुनने से पहला लाभ क्या? अमर बनोगे, ये एक लाभ है। दूसरा लाभ क्या? बोले तप्त जीवन। तप्त जीवन मतलब है संसार में हम दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई संसार से, कोई बेटा से, कोई बेटी से, कोई पड़ोसी से, कोई काम से, कोई मन से, कोई तन से, देखना सब दुखी दुखी संसार में। लेकिन यहाँ राधा रानी कहती है अगर ये सारे दुख को दूर करना चाहते हो क्या करो, भगवान की कथा सुनो, ठाकुर जी की कथा को सुनो, ये कथा सुन करके ही ये अमरत्व को आप प्राप्त कर सकते हो। इसलिए तप्त जीवन मतलब जो उत्तप्त जीवन, जो दुखमय जीवन, ये तुम्हारी समाप्त हो जाएगी ये कथा सुनने पर। देखो इसका प्रमाण देखो, हम संसार में दुखी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन देखो यहाँ पर आप दो घंटा तो कथा सुनोगे, आप देखना अभी पानी मत देना किसी, बाद में जो कीर्तन होगा पानी। इसलिए आप देखना जैसे दो घंटा तक यहाँ बैठोगे ना, आप खुद बताओ संसार का कोई दुख आपको याद है क्या? अभी संसार का कोई दुख आपको याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्यों? कथा नहीं, वो कथा नहीं, ठाकुर के गोद में बैठे हो, वो जो कथा सुन रहे ना वो ठाकुर की गोद में बैठे हो। इसलिए भगवान की गोद में बैठे हो ना, वो दुनिया की माँ है ना, पिता है, इसलिए सब दुख दूर हो। जैसे बच्चा जब माँ की गोद में सर रख करके सोता है वो सारे दुख से दूर रहता है। क्यों? सोचता है माँ की गोद में मैंने बैठा हूँ, मैया की गोद में सर रख करके मैं सोया हूँ। उसी तरह जो कथा में बैठे हो, ठाकुर जी गोद में बैठे हो,
जब तक ये कथा में बैठोगे तब तक संसार का कोई दुख कष्ट नहीं सता सकता, लेकिन कथा से गेट से बाहर करोगे देखना संसार जाने पर ये होगा, संसार में ये दुख, संसार में ये दुख, संसार में ये परेशानी, संसार में जाते ये होगा, केवल इस गेट को बाहर करते हैं ना सारे दुख पहाड़ जैसे आकर सर पर बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक आप कथा में बैठोगे ना सारे दुख को भूल कर बैठोगे, इसलिए राधा रानी कहती है तप जीवनम, जो उत्तप्त जीवन तुम्हारी शांत हो जाएगी। बोले तीसरा लाभ, बोले कलमस अपहर, जितने पाप कथा से ही सब दूर हो जाएगा पाप। ये दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हैं, कारण है ये हमारी प्रारब्ध पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया कर्म का फल भोग कर रहे हैं। लेकिन ये प्रारब्ध कैसे नष्ट होगा, बोले कोई भी दुनिया में कोई चीज नहीं पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया उसको खनन कर सकते, कोई खनन नहीं कर सकता। रूप गोस्वामी कहते हैं बड़े से बड़े ज्ञानी योगी भी ये कर्म फल को तोड़ नहीं सकते, भोगना तुम्हें पड़ेगा। लेकिन राधा रानी कहती है आप केवल कथा सुनो, कथा सुनोगे ना तुम्हारी जितने पाप है सारे पाप दूर हो जाएगा। वाल्मीकि पहले दशरथ ना करता, इतने ब्राह्मण को उसने हत्या की, उनकी जगह से कुआ भर दिया था। जब नारद जी बोले भैया बोलो राम, बोलो बोलो अब कोई बोल नहीं है, बोलो राम बोलो, लेकिन उसका मुंह से राम का नाम नहीं निकला। बोले तू बोलता था मरा मरा, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, लेकिन वो मरा मरा करते करते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार करह सुमन मन माही। प्रभु की नाम में कथा में इतने शक्ति, वो मरा मरा करते 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 राम राम हुआ, वो दशरथनागर से वाल्मीकि बनी। लव कुश देखे हो आप लोगों ने, कौन कौन लव कुश देखे हो, सबके सब देखे होंगे। देखना वाल्मीकि जी भगवान राम आने से पहले रामायण लिख करके लव कुश को उन्होंने पढ़ाया, लव कुश को उन्होंने पढ़ा दिया। इतने भगवत नाम कथा में इतने शक्ति, बोले कल्पसापहम, बोले इसका जो चौथा लाभ है श्रवण मंगल, भगवान की कथा सुनने पर जीवन में मंगल मंगलमय होता है। इसलिए बोले ना मंगल भवन अमंगल हरि, भगवान की कथा सुनने से जीवन का सारे अमंगल दूर हो जाता है, जीवन में मंगल मंगलमय होता है। देखो इसलिए आज हम इतने कथा की महिमा सुन रहे हैं, अभी सात दिन तक सुनेंगे ना, सात दिन तक सुनेंगे, इसलिए सुना रहा हूँ कम से कम सात दिन तक कथा सुने, आप लोग भी दूसरों को बुला बुला कर लाना। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे आप लोग दस दस भक्तों को बुला बुला कर लाना कथा, गुरु जी बोलते थे। बोले क्यों, बोले आप जिसको बुला कर कथा में लाओगे ना उसको जो पुण्य मिलेगी, जो बुलाने वाला को उसका आधा, अगर दस व्यक्ति को बुला कर लाओगे उसको जितने पुण्य मिलेगी कथा में, और आधा पुण्य किसको मिलेगा, जो लाने वाला को आधा पुण्य मिलेगा। इसलिए हमारे बड़े गुरु जी कहते थे कम से कम दस दस व्यक्तियों को कथा में लेकर के आते, ठीक है, कहते श्रवण मंगलम। इसलिए श्री देखो छोटी सी एक कथा सुन, ध्यान देते हुए मैं जितने छोटी छोटी कथा सुनाऊंगा ना सभी याद रखना, ठीक है ना। अब अड़ोसी पड़ोसियों को भी जाकर कथा सुनाना, अगर भूल से आपको पता ही नहीं ये कथा पता होता है, लेकिन अगर भूल से भी आकर के आप कथा में बैठेंगे, भूल से मैं कथा सुन लिया, देखो इसकी कितने महत्व, बोले कहां बताया, ये वाल्मीकि स्वयं ये वाल्मीकि रामायण में ये कथा सुनाते हैं। बोले एक समय ये पृथ्वी लोक में एक राजा एक रानी थे जिसका नाम सत्यवती और सुमति, राजा रानी थे, लेकिन देश का राजा होते हुए भी उनके घर में राम दरबार था। वो राम दरबार में अगर कोई राजा हो जाए, मंदिर भी बना दे, खुद अपना हाथ में सेवा नहीं करेगा और नौकर चाकरों को लगा देगा, लेकिन ये राजा स्वयं रानी स्वयं अष्टजाम, अष्टजाम मतलब ये 24 घंटा राजा रानी अपना हाथों से मंदिर साफ करते थे, ठाकुर जी के लिए फूलों की माला बनाते थे, ठाकुर जी के लिए डोसे बनाते थे, भोग लगाते थे, और राजा रानी बैठ करके जैसे ये माला है ना भगवान के नाम सीताराम जप करते थे, अगर थोड़ा ज्यादा समय हो राजा स्वयं बैठ करके ये वाल्मीकि रामायण बोलता था, रानी सामने बैठ करके हाथ जोड़कर कथा सुनती थी।
एक समय एक ऋषि थे जिनका नाम था विभान ऋषि। एक दिन उन्होंने राज दरबार में आए और राजा रानी की भक्ति देख करके राजचर्य पड़े गए। बोले भैया देश का राजा रानी और 36 घंटा ठाकुर को भक्ति पूजा सेवा में लगे हुए, उनको बड़ा आश्चर्य लगा। तो उन्होंने उनको प्रश्न करते हैं, बोले महाराज आपकी मति प्रभु की भजन में इतने कैसे मति हो गई, ये बड़े बड़े संतों में भी ये चीज नहीं दिखती है, लेकिन आप 26 घंटा ठाकुर को सेवा पूजा कथा में आप क्यों डूबे रहते हो। देखो राजा क्या कहता है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं अपन भजन कथा ना कही वे जथा कथा, मतलब है अपना भक्ति की बात जिसको जिसको मत बोलो। जैसे रात में कोई बढ़िया स्वप्न देखा ठाकुर जी का, ठाकुर जी की बड़ी कोई प्यारी स्वप्न देखा, सब तो मत कहा करो। बोले किसको बोलो, बोले तुम्हारी भावना को जो समझेगा, तुम्हारी भावना को जो समझेगा आगे अच्छी बात बताएगा। बोले भैया ठाकुर को स्वप्न देखना तो बड़े भाग्य से देखते हैं, बड़े भाग्य से ठाकुर के स्वप्न देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति को बोलोगे ना सब बेकार सारे स्वप्न भविष्य बेकार, तुम्हारी जो भक्ति भावना घट जाएगी। इसलिए कहते अपनी भक्ति की बात सबको मत कहा करो, उनको बताओ जो तुम्हारी भक्ति की भावना को समझेगा आगे तुम्हें भक्ति की बात समझाएगा उसको ही बोला करो, सबको मत कहा करो भक्ति की बात। इसलिए उन्होंने जब बाबा ने पूछा तब राजा कहता है, बोले बाबा अभी तक मैंने ये रहस्य किसी को बताया नहीं, चूंकि आप संत हो संतों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, मैं एक जाति स्वर हूं। बोले जाति स्वर मतलब क्या, बोले जिनको पूर्व जन्म की बात याद रहे। बोले मेरे को 4 जन्म की बात याद। बोले 4 जन्म की, बोले हाँ। बोले कैसे, बोले 4 जन्म से पहले मेरा नाम था मालव, मैं बड़ा दुष्ट था, ऐसे कोई पाप कर्म नहीं जो मैंने किया नहीं, मेरे परिवार दुखी होकर घर से निकाल दिए मेरा, मेरी जो पत्नी जो रानी इसका नाम थी काली, उसने तो अपना पति को ही मार डाला, हत्या कर दिया, इसकी परिवार भी घर से निकाल दिए। अभी दोनों हम घूमते घूमते जंगल में कैसे दोनों मिल गए, देखा अकेला जीवन बीत नहीं रहा है, फिर हम दोनों इकट्ठे रहने लगे, जानवर को मार करके मांस खाते थे, लेकिन जब हम दोनों वृद्ध हो गए हमसे आहार संग्रह नहीं हो रहा है, बड़ी कष्ट से अपना 3 दिन को बिता रहे थे, लेकिन हमारी पास में था वशिष्ठ जी का आश्रम। एक दिन हम लोगों ने देखा कुछ लोग वहां पर एकत्रित होते हुए, हमने सोचा भैया आज इतने लोग क्यों आए, वहां पर हम दोनों गए, हमें पता चला ये राम नवमी आ रही है, ये 9 दिन तक प्रभु राम की कथा होगी, जो व्यक्ति यहाँ कथा सुनने के लिए आएगी कथा को बाद में उनके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था। बोले भैया बढ़िया हो गया, 9 दिन तो खाने पीने का कोई चिंता ही नहीं, आओ कथा में बैठो भगवान की कथा सुनो फिर ठाकुर को प्रसाद मिलेगा। हम जो दोनों पति पत्नी केवल हम प्रसाद खाने का लोभ से आते थे, कब ये कथा विश्राम होगी और हमें प्रसाद मिलेगी, और कथा में बैठे तो कान में तो कथा जाएगी, हमने कथा सुनी 9 दिन तक और प्रसाद पाए। जब हमारे दोनों की मृत्यु हुई हमें जब दूत पकड़ करके ले गए, जब महाराज चित्रगुप्त को बोला इसको कापी खोलो कितने पाप और कितने पुण्य की, चित्रगुप्त चित्रगुप्त मतलब जानते हो, चित्र मतलब था फटो, गुप्त मतलब छुपा कर, हमने जो जो कर्म कर रहे हैं वो अपने आप कर्म बन रहा है। अगर कोई बोले हम 10 तला बिल्डिंग के ऊपर में दरवाजा बंद करके हम कोई कर्म कर रहे हैं कोई थोड़ी देख रहा है, बोले नहीं दिन होना सूर्य किरण सब जगह में, सूर्य इसकी साखी है, रात हो ये रात सब जगह में चंद्रमा वो साखी है, ये 10 दिशाएं हैं, ये 10 दिशा सबके सब साखी देते हैं, इसलिए उसका नाम चित्रगुप्त। बोले फटो को गुप्त रूप में वो सारे कर्म जो कर रहे हैं वो सारे कर्म का फल सब लिख रहा है, फिर मरने के बाद सबके सब खुलेगा वहां पर। बोले भैया इनका जीवन में बताओ कितने पाप पुण्य, बोले भैया ये दोनों ही बड़े दुष्ट है कोई सत्कर्म किया ही नहीं, बोले देखो ना थोड़ी बहुत तो कहीं तो होगा। बोले हाँ महाराज जी इनका एक पुण्य है, ये वशिष्ठ जी को आश्रम में 9 दिन तक प्रभु राम की कथा सुने और भगवान के प्रसाद पाए, इनकी इतना पुण्य। इतना सुनते ही
जब महाराज ने इनके जितने पाप था ना उनको सामने काट दिया, सारे पाप को उन्होंने काट दिए, बोले जाओ इनको रमा वैकुंठ में ले जाओ। रमा वैकुंठ में हम लोगों ने 100 साल तक वहां पर इतने भोग किया जो सोच भी नहीं सकते हो। उसके बाद में ब्रह्मलोक में आए, फिर वहां भी 100 साल तक सारे भोग को हमने किया। उसके बाद में फिर स्वर्ग लोक में इंद्र इंद्राणी बने, 100 साल तक भी सारे राज ऐश्वर्य को भोग किया। उसके बाद में ये पृथ्वी का हम राजा हैं, हमारे ठार बार आप देख ही रहे हो। हमें 4 जन्म की बात याद है, अगर अनजान में ठाकुर जी की कथा सुन करके भगवान की प्रसाद पा करके इतने पुण्य हो सकता है, इसलिए हम दोनों राजा रानी समय को बर्बाद नहीं करते हैं, समय को ठाकुर को सेवा करते हैं, ठाकुर जी को पूजा करते हैं, ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, ठाकुर का नाम जप करते हैं। इसलिए यहाँ पर राधा रानी कहती है श्रवण मंगलम, जो भगवान की कथा को श्रवण करेगा उसको जीवन में मंगल मंगल। इसलिए कहती है इसके 14 लाभ है। कहते भैया पंचमा लाभ क्या, बोले श्री, बोले श्री का मतलब क्या, बोले शोभा। कहते जो कथा सुनेगा उसका जो शोभा, उसका जो सौंदर्य महिमा सारा दुनिया में जाएगा। और श्री मतलब होता है लक्ष्मी, जो कथा सुनेगा घर में उनकी लक्ष्मी की भी बड़ी कृपा होती है, पैसा की बड़ी कृपा होती है। और ता, बोले ता मतलब खंडन। कहते जो भगवत कथा श्रवण करेगा उसका संसार बंधन नष्ट हो जाएगा। इसलिए श्री राधा रानी कहती है जगत में बहुत बड़ा बड़ा दान है, जगत में बहुत बड़ा बड़ा पुण्य है, लेकिन जगत में सबसे बड़ा पुण्य क्या है, बोले जो ये भागवत कथा को जो दान करते हैं पृथ्वी में, ये सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान जो दुनिया में कुछ भी नहीं। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतम की जय, जय श्री राधे। अभी प्रभु जी आपने भजन सुनाएंगे, फिर इसको बाद में कथा कितने बजे तक होगी, 8 बजे तक। आप लोग कथा कितने बजे तक सुन सकते हो, आप लोग कथा कितने बजे, देखो आप लोग जितने बजे तक कथा सुनोगे ना सुनोगे हम उतना बजे तक आपको सुना सकते हैं। अब माताएं बताओ तो आप कितने से कितने तक हो, क्योंकि देखो ये जो भागवत कथा है ना इसको कल्प वृक्ष बताया, कल्प वृक्ष का मतलब होता है आप 7 दिन तक अगर नियम से कथा सुनोगे आप जो कुछ कथा से मांगोगे वो मिलेगा। इसलिए पद्म पुराण में बताया जो रोगी उनका निरोग प्रदान करते हैं, जो निर्धन उसको धन प्रदान करती है, जो दुखी उससे सुखी प्रदान करता है, जिसकी संतान नहीं उसे संतान प्रदान करता है। इसलिए बोले अकाम सर्व काम का मोक्ष काम उदाहरण है, जिसकी अंदर में सारे कामना उसकी सारी इच्छा को पूरी करती है, जिसका अंदर में कुछ कामना नहीं उसको भगवान की प्रेम भगवत भक्ति प्रदान करती है। इसलिए मोक्ष काम जिसकी उसको मुक्ति प्रदान करती है। मतलब ये भागवत कथा नहीं, बोले कल्प वृक्षों के नीचे बैठे जो आप 7 दिन में मांगोगे अगर नियम करके कथा को एकदम सही सही सुने, नियम से कथा सुनोगे आप देखना जो मांगोगे 7 दिन में सब इच्छा पूरी हो जाएगी, सारी इच्छा ही भागवत पूरी करेगी। लेकिन ये कथा को नियम से ये कथा को सुनना पड़ेगा तभी ये आपकी पूरी इच्छाओं को ये पूरी करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बताओ कितने से कितने तक होने पर आप लोग आ सकते हो और कथा सुन सकते हो, बताओ तो कौन बोलेगा, बताओ माताएं बताओ, आप चुप बैठे कोई बोल नहीं रहे, बताओ कितने बजे तक आप लोग बताओ, बताओ कोई मुझे बताए कि नहीं, आप लोग सोच लो, ठीक है। आप जितने से जितने बजे तक कथा सुनोगे ना हम उतने से उतने बजे तक कथा सुनाएंगे, ठीक है। एक भजन सुनिए, आप थोड़ी सी पद्म पुराणी कथा सुनकर हम कथा का निष्कर्ष करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को,
डाले डाले और पात पात पे श्री राधे राधे की राधे राधे रट तही कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम तिजाए हरि वृंदावन धाम
सर्वते की पीता Thank you.
भाव की रेखाएं बदल जाती है। इसलिए जो भी हाथ में गड़बड़ सड़बड़ देखता है वो मिट करके भक्ति रूपी रेखा का उदय होता है, कीर्तन में ताली बजाने से। तो इसलिए सभी लोग कीर्तन में ताली बजा कर उसको तो रहने के लिए जगह चाहिए। बोले ऐसा है, कीर्तन में जो ताली बजाते हैं उनका पाप निकल करके उनके सर पे बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते। तो आइए आप लोग क्या करेंगे, बैठना चाहेंगे पाप को? नहीं बैठना चाहेंगे ना, तो सभी लोग ताली बजा कर बोलेंगे Thank you.
सब वृंदावन में जाओ तो लोग क्या बोलते हैं, आवाज बहुत कम आ रही है, संख्या कम है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल, सब लोग एक बार हाथ उठाएंगे ऊपर और हाथ उठाकर ताली बजाकर बोलना है, प्यार से बोलो। राधा जी को साथ में कृष्ण को प्रणाम करते हैं, शिक्षा देते हैं, अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं करो, अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं करनी चाहिए, श्री ईश्वर जी को साथ में श्री राधा रानी को कृष्ण को प्रणाम करो। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अकेला माधव पूजय सो अज्ञानी, जो अकेले कृष्ण को पूजा करते वो अज्ञानी, वो मूर्ख है। राधा अनादर परे अभिमानी, राधा जी को जो अनादर करते हैं, बोले भैया कबर ना करब ताकर संग, चित्ते इच्छा से जदि कृष्ण भक्ति रंग। अगर तुमको राधा कृष्ण की भक्ति पाना है ना, ऐसे संग मत करो जिस केवल अकेले कृष्ण को पूजा करते हैं। इसलिए कोई एक रस्सी की संत था, उन्होंने एक सुंदर एक भजन लिखे, वो भजन था मैं तो श्याम रंग में रंगी, मतलब कृष्ण रंग में मैंने रंग दिया। अभी बड़े बड़े रसिकों को पास में पद गया, सुन करके तो बड़े लोग बाहवा दिए, बोले वाह बड़ा सुंदर पद लिखा। लेकिन ये पद जब श्री जीव गोस्वामी एक संत को पास में, ये महापुरुष का भक्त है, जब उनको पास में गया तब उन्होंने एक श्लोक लिख करके उनको पास में भेज दिया। वो श्लोक में था बोले अनाराध्य राधा पदम भोजरेणु अनाश्रित वृंदावनम तटभिं। वो संत कहते हैं अगर तुमको राधा कृष्ण के प्रेम में बोले कृष्ण भक्ति रस में अगर गोता लगानी, पहले तीन काम करो फिर तो कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण जैसे तीन जगह से टेढ़े हैं ना, उनकी भक्ति भी बड़ी टेढ़ी की है, हैं? इसलिए कृष्ण का सब कुछ टेढ़ा है। इसलिए बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, बोले गोकुल तेरी टेढ़ी मैया तेरी टेढ़ो, टेढ़ो रे टेढ़ी तेरी जसोदा डोकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। कृष्ण का सब टेढ़ा है। आप लोग वृंदावन गए हैं ना, उनका सारी गली देखना टेढ़ा, जमुना भी देखना टेढ़ी, उनकी भक्ति भी टेढ़ी, उनका नाम भी टेढ़ो है। देखो कृष्ण
जब तक ये जीवा तीन बार पलट नहीं जाए ना, ये जीवा से कृष्ण नाम ही नहीं निकलता है। कहते भैया अगर वो टेढ़े टांग वाले की भक्ति बनना चाहते हो, सबसे पहले तीन चीज वो अपनाओ, फिर कृष्ण भक्ति मिलेगी। बोले वो तीन चीज क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदा भोज रहे। बोले जब तक श्री राधा जी की चरण की धूल का आश्रय नहीं करते हो। बोले दूसरे चीज क्या? बोले राधा रानी की चरणों के द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब आश्रय नहीं करोगे। बोले सबसे श्रेष्ठ वस्तु है जो राधा जी की भक्ति में जो संत सराबर हुए हैं, जब तक ऐसे संतों की शरण में नहीं जाओगे, बोले भैया कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्ण तुम्हें नहीं मिलेंगे। इसलिए कृष्ण भक्ति तभी मिलेगी जब श्री राधा जी की शरण में जाओगे। इसलिए आप वृंदावन में जाओ, देखना वृंदावन तो बांके बिहार के राज्य है, लेकिन देखना वहां पर कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? जोर से बोलो और जोर से। हाँ, वहां के सब श्री किशोर जी की श्री राधा जी का नाम लेते हैं। बोले क्यों? बोले राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे बिहारी। राधा जी कृपा से कृष्ण मिलते हैं और कृष्ण कृपा से श्री राधा रानी मिलती है। इसलिए पहला श्लोक में श्री जुगल सरकार को प्रणाम किया। नम मतलब होता है नमस्कार, बा सारे अहंकार को त्याग दे करके उनकी शरण में जाना। बोले अगर उनकी शरण में जाओगे तो मिलेगा क्या? बोले आपको छह चीज मिलेगा। कितना चीज मिलेगी? देखो छह चीज क्या क्या मिलेगा। बोले सचिदानंद रूपाय, बोले भगवान की जो स्वरूप है वो सात चीत और आनंद स्वरूप। हम सबके सब उनकी संतान है। देखना हमारे अंदर में भी वही तीन चीज जिंदगी भर खोजते हैं। भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए देखना जगत में कोई मरना नहीं चाहते। बताओ कोई कौन मरना चाहता है? मरने का नाम सुनते ही घबरा उठते हैं। अगर एक बाल पक गया उसको उखाड़ देते हैं, उसको हम उखाड़ देते हैं, हैं? इसलिए हम ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते हैं? कारण क्या है? बोले भैया हम कोई बुढ़ापा कोई बनना चाहते, कोई मरना नहीं चाहते। चवन प्राश क्यों खाते हो? चीन में क्यों जाते हो? कारण क्या? बोले कारण है हम कोई भी मरना नहीं चाहते। बोले क्यों? मरना क्यों नहीं चाहते हो? बोले कारण है जो भगवान वो सत्य स्वरूप, भगवान की जो उम्र है वो नव किशोर नटवर है। भगवान कृष्ण जगत में 125 साल तक थे, लेकिन उनकी स्वरूप में कभी नहीं था कोई बुढ़ापा स्वरूप है। भगवान राम 11,000 साल तक रहे, लेकिन भगवान का कभी दाढ़ी नहीं देखोगे, भगवान की कभी मोच नहीं देखोगे। क्यों? भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। इसलिए देखना हम भी एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते सबके सब। अगर एक किसी व्यक्ति को बोल दो तेरे दिमाग नहीं, मूर्ख है, सचमुच से दिमाग नहीं, किसी को बोलो तेरे दिमाग नहीं, देखना वो क्या बोलता है। बोले मेरा नहीं ना तेरा नहीं। बोले जगत में कोई भी मूर्ख बनना नहीं चाहते हैं, हैं? सबके सब चाहते हम इंटेलिजेंट बने। कारण किया? भगवान पूर्ण ज्ञान स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप है। देखना जिंदगी भर हम जो कुछ करते हैं वो आनंद के लिए ही जिंदगी भर करते हैं, लेकिन ये तीन चीज मिलेगा तब। बोले जब ठाकुर की शरण में जाओगे तभी ये तीन चीज तुम्हें प्राप्ति होगी। और तीन चीज क्या है? बोले तापत्रय विनाशाय, ये जगत में आने पर सबको कंपलसरी ये तीन दुख तुमको मिलेगा ही। बोले पहला दुख क्या? बोले आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब है जो मानसिक कष्ट है। देखना सारे बीमारी का दवा है, लेकिन मानसिक बीमारी का कोई दवा नहीं। और सबके सब जगत में ऐसा कोई नहीं जिसको ये बीमारी नहीं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई पड़ोसों से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बेटी से दुखी, कोई पढ़ाई से दुखी, सबके सब दुखी दुखी है, मानसिक कष्ट है। दूसरा कष्ट है आदि दैवी, मतलब देवताओं को द्वारा जो दुख दी जाती है, इसमें किसी की कंट्रोल नहीं। जैसे बारिश नहीं हुई, ज्यादा बारिश हो गई, भूचाल आ गया, कहीं साइकिल ना आ गई, कभी कहीं फ्लू आ गई, कहीं कभी देवताओं को द्वारा दिया हुआ वस्तु, उसको पर इसकी कंट्रोल नहीं। तीसरा जो दुख है आदि भौतिक, मतलब एक जीव से दूसरे जीव को जो कष्ट होता है,
जैसे सांप काट दिया, मच्छर काट दिया, जात जात में लड़ाई, देश देश में लड़ाई है, कभी ये सब के सब एक जीव से दूसरे जीव का प्रति जो कष्ट है। बोले भैया ये सारे दुख कष्ट कब दूर होगा? बोले श्री कृष्णाय वयम नमः, जब भगवान की शरण में हम जाएंगे तब भी ये सारे दुख कष्ट तुम्हारी समाप्त तो हो सकती है। इसलिए जो पहला जो श्लोक है कति मंगलाचरण है, हम लोग आगे श्रवण कर रहे थे जिस समय श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को ये कथा सुनाए। ये कथा सुनते ही श्री परीक्षित महाराज सीधा उन्होंने भगवत लोक को चले गए। एक दिन श्री नारद जी ये मर्त्य जगत को पुण्य भूमि मान करके एक दिन दर्शन करने के लिए आए, लेकिन देखा कलयुग आ गए थे। लेकिन उन्होंने देखा सब जगह में कली अपना राज्योत करते हुए बैठा हुआ, कली किसी को नहीं चढ़ा। किसी धर्म क्षेत्र में गए है वहां पर देखा कली, किसी आश्रम में गए कली, किसी गृहस्थ घर में गए कली, कली किसी को नहीं छोड़ा। सब जगह में कलह, झगड़ा, अशांति घर घर में। सोचा भैया वृंदावन धाम ठाकुर का धाम है, चलो श्री वृंदावन दर्शन करके आते हैं। जब वृंदावन में श्री यमुना किनारे में आए, एक आश्चर्य घटना देखा। एक सुंदरी एक युवती बैठी हुई, उसकी बगल में जो बूढ़े लेट हुए हैं और कुछ सुंदरी सुंदरी स्त्रियां वो जो बीच में बैठी हुई उसको सेवा कर रही थी। नारद जी ने सोचा शायद वृंदावन धाम सत्संग होता होगा। नारद जी जब वहां पर पहुंचे ना, देखा भैया वहां तो रोना धोना लगा हुआ है। पर नारद जी वहां से भगे। इतने में बीच में जो एक सुंदरी युवती बैठी हुई थी बोले हे नारद जी, बड़े भाग्य से कहीं सत्पुरुषों का दर्शन मिलता है, बड़े भाग्य से संत दर्शन मिलता है, आप तो कृपा करके आए फिर जा रहे हो कहां? नारद जी खड़े हो गए, बोले आप कौन हो? बोले मैं भक्ति हूं। बोले ये दोनों बेटे कौन है? बोले ये मेरे दोनों बेटे हैं, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम वैराग्य है। बोले ये सब सखियां कौन है? बोले ये मेरी सेविकाएं हैं। बोले भैया ये दोनों बच्चे बूढ़े कैसे हो गए? बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि करना टके गता कोचित कोचित महाराष्ट्र गुर्जरे जिर्णताम गता। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम, बोले द्रविड़े देश में मेरी जन्म हुई लेकिन कर्नाटक में बड़ी हुई। बड़ी हुई मतलब कर्नाटक के लोग भक्ति करते थे लेकिन महाराष्ट्र में, बोले कोचित कोचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं भक्ति देखने को मिलती है इसलिए वहां पर भी मेरे को आदर मिली। लेकिन जब मैं गुजरात में आएगा तो बुरी हो गई। बोले क्यों? वहां बुरी क्यों हो गई? बोले ये गुजरात के लोग इतने नास्तिक थे, किसी घर में ठाकुर को पूजा नहीं, कहीं तुलसी की वृक्ष नहीं, कहीं ठाकुर जी का नाम गंध नहीं। अगर कोई तिलकधारी गले में कंठी चोटीधारी कोई आ गए ना, अगर कोई प्रभु का माला जप करते थे उनको पीछे ऐसे लग जाते थे। अगर गले में कंठी पहन लिया ना, बोले भैया लकड़ी क्यों पहने हो? अगर चोटी कोई रखे तो बोले क्या एरियाल है? अगर प्रभु का नाम जप करे बोले क्या पाप किया हो ठाकुर का नाम जप करते हो? इसलिए देश से जब तक उसको खदड़ नहीं थे बाहर, उसको पीछा नहीं छोड़ते थे। इतने नास्तिक लोग थे ये गुजरात के लोग। इसलिए ये भक्ति देवी कहती हैं वहां आकर के तो मैं बुरी हो गई। लेकिन आप लोग अभी गुजरात देश में जाओगे ना, देखना संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा अगर कोई भक्ति करने वाले आप गुजरात में देखोगे। घर घर में बाल गोपाल की सेवा, घर घर में तुलसी देखोगे है, और गले में तुलसी की माला देखोगे, भगवान की भक्ति करते हुए देखोगे। और सबसे ज्यादा पैसा वाला देखोगे गुजरात में, सबसे ज्यादा पैसा वाला गुजरात में। ये मोदी कहाँ गए? मोदी कहाँ गए? गुजरात गए ना। बोले ऐसे वहां इतना परिवर्तन कैसे हो गया? बोले इसका कारण है वहां पर बड़े बड़े संत जन्म हुए, तुकाराम, नरसिंह भक्त, बल्लभाचार्य। जब एक शुद्ध भक्त कहीं जन्म लेता है उसकी प्रभाव से ये कर्ण जोजन तक
स्थान पवित्र हो जाती, उनकी दृष्टि जितने दूर तक जाए सारे अमंगल दूर हो जाती। वहां पर संतन लोग वहां पर जन्म ग्रहण किए। देखो संत जन्म लेने का कितना महत्व है। कथा सुना, एक जंगल में कुछ भूत लोग निवास करते, भूत पिशाच रहते थे। एक समय कोई एक संत शरीर छोड़ा, जब शरीर छोड़ा वो संतों को उसी जंगल में उनकी दाह संस्कार की गया। जब दाह संस्कार की, देखो संत जहां पर उनको शरीर को जलाया जाए कितना पुण्य है। जब उनको दाह संस्कार की, वो जंगल में जितने प्रेत भूत थे उनकी शरीर से जो धुआं पूरा जंगल में छा गई, उससे सारे भूत प्रेतों का उद्धार हो गया। लेकिन उसी समय में कोई एक प्रेत था, वो कहीं बाहर गया हुआ था, उस समय था नहीं। लेकिन उसने जब आकर के देखा उनका परिवार के लोगों कोई भी नहीं, जितने भूत का परिवार था ना वो सारे परिवार खत्म। बोले भैया मेरे परिवार गए कहां, ये सबके सब खत्म कैसे हो गए। बोले यहाँ पर एक वैष्णव का संतों का दाह संस्कार की गई, वो दाह संस्कार से ही बोले उनका शरीर कितने पवित्र होता है संतों का, उससे सबके सब मुक्त हो गए। बोले भैया मेरे परिवार नष्ट हो गए, मेरी क्या होगी, मेरी कैसे मुक्ति होगी। जहां पर उनका शरीर को जलाया गया था वो प्रेत आकर के उसको ऊपर लौट पोट खाने लगे, उसको ऊपर में लौट पोट खाते उसको भी मुक्ति मिल गई। इसलिए जहां पर एक शुद्ध संत जन्म लेता है उसको प्रभाव से करोड़ योजन तक उसको स्थान पवित्र हो जाती है। संतों की इतनी महिमा, इसलिए गुजरात में बड़े बड़े संतों लोग जन्म हुए और उनकी प्रभाव से गुजरात पूरा परिवर्तन हो गया, सब भक्त बन गए घर घर में ठाकुर को पूजा भक्ति सेवा। और देखो जहां पर ठाकुर का भक्ति पूजा सेवा होना, लक्ष्मी वहीं पर रहती है। लक्ष्मी कहाँ रहती है, बोले नारायण के चरण में, नारायण के चरण में तो लक्ष्मी रहती है ना। इसलिए जहां पर जितने ठाकुर को सेवा पूजा भक्ति है ना, माँ लक्ष्मी की कृपा वहीं पर उतना होती है। इसलिए गुजरात में देखो सबसे बड़े बड़े घर बिजनेसमैन है ना, ये सबसे सब गुजरात में। अगर हम भी प्रभु की भक्ति करेंगे, भजन करेंगे ना, फिर हमारी घर में भी माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। लेकिन वो कहती है मैं जब वृंदावन में आई मैं युवती हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटे बूढ़े हो गए। बोले ऐसे कैसे हो गई। बोले कारण क्या। बोले कारण है कि जो वृंदावन धाम है ये राधा जी के हृदय है। ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं, राधा रानी अपना हृदय को ये वृंदावन की उन्होंने रूप रेखा दी है कृष्ण क्रीड़ा करने के लिए। वृंदावन, वृंदा मतलब तुलसी, वन मतलब जहां तुलसी का वन वही वृंदावन। वृंदा मतलब वृंद समूह, वन अबन मतलब जो भक्त वृंदावन में भजन करने जाती है वृंदावन धाम उनका आश्रय देती है। इसलिए ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं। इसलिए बोले वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई, डाल डाल और पत्ते पत्ते में श्री राधे राधे हुई है। इसलिए हमारे रसखान कहते हैं बोले वृंदावन राधा जी का भूमि है। बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जा, बोले केशव के कली कुंज कुटी कुटी काशी है, बोले गोपिनी की द्वार पे है बसत है हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, बोले स्वर्ग अब वर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी है। बोले श्री वृंदावन धाम की। इसलिए भक्ति देवी कहती है मैं वृंदावन में युवती हो गई लेकिन मेरे बेटे बूढ़े हो गए। बोले क्यों। बोले जो ज्ञान और जो वैराग्य है वृंदावन में मुझ कोई आदर नहीं था, क्योंकि वृंदावन था प्रेम भूमि, भगवान की प्रेम भूमि है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान और वैराग्य को कोई आदर नहीं करते। लेकिन देखो और एक चीज को समझो अच्छे तरह से समझो, मैं सुनूंगा कल आपने क्या सुना है। भक्ति देवी ने बोली मेरे दो बेटे हैं, कौन कौन है, ज्ञान और वैराग्य। ये चीज अच्छे तरह समझो। बोले भैया ज्ञान वैराग्य से भगवान नहीं मिलते हैं। बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान केवल प्रेम से मिलते, ज्ञान वैराग्य से नहीं मिलते हैं। फिर ये भक्ति कहती है ये मेरे दोनों बेटे हैं, पर ये ज्ञान वैराग्य बेटे कैसे हो गए। हाँ यहाँ जो ज्ञान है एक ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान मतलब है जो चाहते हैं
लास्ट में अपना सत्ता को ये ब्रह्म ज्योति में लीन करते, ऐसे ज्ञान से भक्ति दूर रहते, ऐसे ज्ञान से प्रभु नहीं मिलते हैं। इसलिए ब्रह्मा कहते ज्ञान प्रयास मधुपास्य, ज्ञान का प्रयास त्याग दो, ये ज्ञान नहीं चाहिए। फिर भैया कौन सा ज्ञान? भक्ति युक्त ज्ञान। जैसे कथा सुन रहे हैं भैया, ये भी तो ज्ञान है, लेकिन ये जो ज्ञान है ये प्रभु की भक्ति को बढ़ाने वाले ज्ञान है, ये ज्ञान होनी चाहिए, नहीं तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हो। भक्ति किया भगवान को, प्रेम किया है राधा रानी को, ने ये चीज समझनी चाहिए, नहीं तो भक्ति कैसे करोगे? बोले वैराग्य। बोले भैया वैराग्य भी बड़ा शुष्क होता है, ये वैराग्य से भी भगवान नहीं मिलते, लेकिन कहते हम इनके बेटे हैं। बोले वैराग्य मतलब है विशेष पूर्वक अनुराग। इसलिए पांच तरह का वैराग्य बताया। एक वैराग्य है शमशान वैराग्य, मतलब जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़े उसको जलाने के लिए जो ले जाते हैं ना, देखना थोड़ी समय के लिए वैराग्य आता है, भैया इतने रुपया पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं लिया, चिता में लेटा दिया, डंडे मार मार कर जला करके आ गए, भैया संसार झूठा है और संसार नहीं चाहिए। और कंधे पर जब ले गए, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है, जगत में भगवान के नाम ही एक सत्ता, जगत में सब झूठा। बोले भैया अभी तो बैठ कर खूब भजन करूंगा। लेकिन वो व्यक्ति जब घर में आता है, बीबी जब मीठी मीठी थोड़ी बोली बोल दे, बच्चे तोतली तोतली बोले से पापा पापा मामा मामा बोले, जो गोद में चढ़ जाए, सारे वैराग्य खत्म हो जाता है। बोले भैया ये वैराग्य नहीं चाहिए। दूसरा वैराग्य फल्गु वैराग्य। एक फल्गु नदी है, ऊपर ऊपर देखोगे रेती रेती दिखता है, लेकिन थोड़ी सी रेती को हटाओ ना, देखना अंदर में पानी बहती है। ऊपर से तो वैराग्य, लेकिन अंदर में भोग की प्रीति, इससे भी कल्याण नहीं। दूसरा मरकट वैराग्य। आप लोग बंदर देखे हो? कौन कौन बंदर देखे हो? सब तो सब देखते हो। देखना बंदर अपना घर नहीं बनाता है, कपड़ा भी नहीं पहनता है, फल मूल खाता है, जो मिल जाए सो खाता है। वृंदावन में गए हो? कौन कौन देखना, अगर कोई चश्मा पहन कर गए ना, पहले तो चश्मा उठा कर ले जाए। आप कोई भी फल सब्जी आप ओपनिंग खोले रूप में आप नहीं ला सकते हो, रास्ता में सब लुटवा कर खाते हैं। और बंदर बड़ी कामी होता है, लेकिन ऊपर से नंगे रहते हैं और फल फूल खाता है और कोई घर नहीं, इसलिए इसको बंदर वैराग्य कहते हैं, मरकट वैराग्य। चौथा वैराग्य प्रसव। प्रसव वैराग्य मतलब माताएं जो बच्चे जन्म देती है, बड़ा कष्ट होता है, प्रसव वेदना। बोले भैया और नहीं संतान चाहिए, और नहीं चाहिए, लेकिन बच्चे का मुंह देख कर फिर दुनिया भूल जाते हैं, इसलिए इसको प्रसव वैराग्य बताया। बोले भैया ये वैराग्य से कल्याण नहीं, एक वैराग्य करनी चाहिए, कहते युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य मतलब होता है तुम्हारी शरीर निर्वाह के लिए जितना जरूरत उतना ग्रहण करो, अगर उतना ग्रहण नहीं करोगे फिर शरीर खराब हो जाएगी, भजन नहीं कर सकते। अगर बहुत ज्यादा ग्रहण करोगे फिर भोगी हो जाओगे, फिर भक्ति नहीं कर सकते हो। इसलिए शरीर निर्वाह के लिए जितनी जरूरत है ठाकुर जी की प्रसाद रूप में ग्रहण करो, रोटी बढ़िया बनाओ, ठाकुर को भोग लगाकर प्रसाद खाओ, कोई कपड़ा पहनते हो पहले ठाकुर जी के चरण में स्पर्श कराओ, ठाकुर जी के वस्त्र रूप में ग्रहण करो, घर बनाते हो सब जो ठाकुर का दरबार है, ये ठाकुर जी की मंदिर है, हर चीज ठाकुर को साथ में जोड़ करके जितना जरूरत उतना वस्तु को ग्रहण करो और भगवान की भक्ति करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्ण, अब लोग कोई बोल नहीं रहे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे। हमारे बार जोर करके आप बोलो, मैं सुनूंगा, इसलिए बोले भक्ति के दो बेटे क्या वैराग्य, ये भक्ति रो रहे थे क्यों? बोले मेरे बेटे बूढ़े हो गए, मेरे बेटे बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए मतलब क्या? अगर ये दो भक्ति के, अगर ये दो बेटे अगर ये पुष्ट नहीं हो, मतलब शास्त्र ज्ञान नहीं हो, अगर ये वैराग्य नहीं होना, ये भक्ति आगे कभी बढ़ेगी नहीं। इसलिए भक्ति ने भी रो रही थी, लेकिन इनका रोना बंद कब हुआ? लेकिन जब इन्होंने श्री भागवत कथा सुनी,
इसलिए नारद जी बोले कोई चिंता मत करो, तुम्हारी ये दोनों बच्चे को मैंने जवान दिला दूंगा। सबको प्रश्न किया, कोई उत्तर नहीं दे पाए। चतुसर ने कहा देखो ये श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, इसी से पुष्ट हो गएगी। खैर श्री चतुसर ने ये ज्ञान वैराग्य को उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। जब भागवत कथा सुनाए ना, ये ज्ञान वैराग्य पूर्ण जवानी हो गए और दोनों हाथ उठा करके नाचने लग गए हैं? और गोलोक वृंदावन से साक्षात जुगल सरकार वहां पर प्रकट हो गई ये भागवत कथा की प्रभाव से। इसलिए आप लोग भी देखोगे जब सात दिन कथा सुनोगे ना, हमारे अंदर में भी दो बेटे हैं, एक ज्ञान वैराग्य। आप देख लेना सात दिन तो कथा सुनोगे ना, इतने ज्ञान मिलेगी, इतने प्रभु के प्रति वैराग्य मतलब विशेष अनुराग मिलेगा, आपकी अंदर में जो भक्ति ज्ञान है ना, ये सब के सब देखना जवानी हो जाएगा। आप भी कृष्ण प्रेम में मतवाला होकर के बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भी कृष्ण प्रेम में नाच उठोगे। जब उन्होंने ये भागवत कथा सुनाए, ये कथा की प्रभाव से जितने वहां पर भक्त लोग थे सभी के लिए रथ आया। लेकिन यहाँ तक जो पशु पक्षी कीड़े मकोड़ थे, इसकी प्रभाव से इनको भी मुक्ति मिल गई। नारद जी को तो बड़ा आश्चर्य लगा। वो प्रश्न करते हैं चतुसन को, अगर कोई प्रेत योनि में पड़ा हुआ हो, अगर ये भागवत कथा सुनकर के मुक्ति मिलेगी कि नहीं? बोले भैया जब कथा सुनकर के हैं कीड़े मकोड़े तक भी उनको उधार हो गया, कथा सुनकर के प्रेत जन्म से उद्धार नहीं होगा? फिर उन्होंने गोकर्ण धुंधुकारी की कथा सुनाई। बोले एक व्यक्ति था जिसका नाम था आत्मदेव और पत्नी का नाम था धुंधुली। देखो इस जगत में भी कभी कभी ऐसे होता है, पति अगर आत्मदेव है ना, धुंधुली मतलब अज्ञानी अंधकार। पति को तो भक्ति में बड़ी रुचि है, देखना कभी कभी पत्नी को एकदम रुचि नहीं भजन भजन से, एकदम पत्नी एकदम धुंधुकारी पत्नी एकदम पूरा अज्ञानी। लेकिन कभी कभी आप देखना पत्नी तो आत्मदेवी, लेकिन पति कभी धुंधुकारी होता है, मतलब पत्नी को तो भजन में बड़ी रुचि, पति को देखना भक्ति भक्ति से कोई रुचि नहीं उसकी। लेकिन भगवान की बड़ी कृपा है, अगर पति भी आत्मदेव और पत्नी भी आत्मदेवी हो, दोनों को अगर प्रभु की भजन में रुचि हो ना, गाड़ी भर बढ़िया से चलती है, गाड़ी भर बढ़िया से गाड़ी चलती है। इसलिए अगर दोनों भक्ति करे तो बड़े भाग्य से ऐसे पति पत्नी मिलते हैं जो दोनों मिलकर के ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। लेकिन उनका जो पत्नी पत्नी थी ना धुंधुली, ये सवेरे उठते ही तू तू मैं करती थी, लड़ाई झगड़ा करती थी, भक्ति भक्ति से कोई रुचि नहीं, बैठ करके दुनिया की सारे बात करेगी लेकिन भगवान की भक्ति में कोई रुचि नहीं। अभी घर में सारे सुख है लेकिन घर में कोई संताप नहीं। देवता को पितृपुरुषों को कोई वस्तु दे ऐसे लगता है जो कोई घर में चीज दे रहे हैं। घर में कोई गैया लाए बाज हो जाए, पेड़ लगाए फल नहीं हो, बोले भैया ऐसे क्यों? उसको पास में सारे सुख लेकिन संतान नहीं होने का नाते इतना दुख क्यों? कारण बताए, ये जो व्यक्ति था ना बड़े कंजूस था, एक पैसा भी कहीं अच्छे काम में नहीं लगाएगा, केवल जोड़ो 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 केवल जोड़ता था। इसलिए हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, पैसा पैसा जो ये लक्ष्मी है, पैसा ये लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी किसकी है? बोले लक्ष्मी नारायण की। अगर ये लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में नहीं लगेगी ना, भले ही अरब खरब रुपया घर में आ जाए, देखना वो लक्ष्मी घर में सांसी सुख नहीं दे। क्यों? लक्ष्मी को हम भोग करना चाह रहे, लेकिन लक्ष्मी आपका भग्या नहीं, लक्ष्मी नारायण की भग्या है। जब ये ठाकुर को सेवा में लगती है, लक्ष्मी प्रसन्न होती, बोले बेटा खूब सुखी रहो, खूब शांति सुख में रहो। इसलिए घर में सब सुखी है लेकिन घर में कोई संतान नहीं। एक दिन दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए गया। जब भगवान किसी जीव को ऊपर कृपा करते हैं, ब्राह्मण नहीं तो संत रूप में आते हैं। मानो ठाकुर जी स्वयं उसको ऊपर में कृपा करने के लिए संत रूप धारण करते आए। उनको समझाया, बोले बेटा क्या बात, क्यों रो रहे हो? बोले घर में संतान नहीं इसलिए। बोले देख बेटा सगर महाराज का नाम सुने? बोले हाँ। बताओ तो कितना बेटे थे? बोले 10,000। बोले बेटे से क्या सुख मिला उनको? चित्रकेतु महाराज का नाम सुने? बोले हाँ। बोले कितने पत्नी? बोले 1 करोड़ शादी किया था।
बेटा किसी तरह से हुआ तो उसको मार डाले तो इतने दुखी, इतने दुखी हुए। बोले बेटा संतान से सुखी नहीं, सुखी प्रभु की भजन से होते हैं, प्रभु की भक्ति से सुखी होते हैं। देखो हम दुनिया में सब जगह में जाते हैं, संतान नहीं रहने पर एक दुख है, लेकिन इस संतान होकर के अगर बात नहीं सुनता ना वो डबल दुखी है। इसलिए कभी कभी कहते हैं बोले भैया ये बेटा नहीं लगता है पूर्व जन्म का कोई शत्रु बेटा बन कर आया था जो बात नहीं सुने। इसलिए ठाकुर को इच्छा में इच्छा मिला देनी चाहिए, संतान नहीं दिए कोई बात नहीं, ठाकुर है ना, भगवान को बेटा मान लो ना, ऐसे बेटा को कोई होगा। देखो आप मुझे सही घटना सुनाता हूँ, वृंदावन में कोई एक माता रहती थी, वो घर में ठाकुर जी को पूजा करती, बाल गोपाल की पूजा करती थी, जिंदगी भर उसने सेवा की ठाकुर जी की। अभी माता जी वृद्ध हो गए, उनसे चला फिरा नहीं जा रहा है, ठाकुर जी स्वयं निकली सेवा करती थी। ठाकुर जी पानी भर के लाते थे, बाजार से सब्जी लाते थे, घर सफाई सफाई करते थे, रोसी बना करके उनको खिलाया करते थे। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो व्यक्ति जिंदगी भर ठाकुर को सेवा करेगा ना, जब आप वृद्ध हो जाओगे ठाकुर तुम्हारी सेवा करेगा। बोले क्यों? बोले जिंदगी भर आप ठाकुर का सेवा किए, ठाकुर को सेवा किया ना, अब ठाकुर का तुमको तो सेवा करना ही पड़ेगा ठाकुर जी को। इसलिए अगर संतान नहीं तो दुखी मत हो, दुखी नहीं होकर के भगवान को बेटा बना दो, ठाकुर जी को बोल एनाम जी लगा दो, बस बेड़ा पारी तुम्हारी हो जाएगी। उन्होंने बहुत समझाए, बोले देख बेटा मैं तो देख रहा हूँ तेरे ललाट से एक जन्म क्यों, सात जन्म तक भी तेरे कोई बच्चा होने वाले नहीं। बोले भैया एक जन्म में संतान नहीं इतना दुख, ये कहे सात जन्म तक संतान नहीं, फिर तो उनको चरण में गिर पड़े। बोले बाबा जो ना करे लकड़ी सो करे फकीरी, लकड़ी होता है भाग्य, जो भाग्य में नहीं फकीरी मतलब होता है साधु। अगर कोई शुद्ध साधु अगर किसको पर कृपा करते ना, भगवान भी अपना भाग्यों को बदला देते। संतों की वाणी में इतने शक्ति, उनने चरण पकड़ करके रोने लग गए, बोले मेरे को एक संतान दो, मेरे को एक संतान दो। तो उन्होंने पेड़ से एक फल लेकर के मंत्र पुत करके दे दिया, बोले पत्नी को खिलाना, बोला लड़ाई झगड़ा नहीं करने, गीता भागवत पढ़ते रहे, बड़ा सुंदर तेरे घर में संतान हुई। देखो माता है ध्यान देकर सुनो, पहला होता है गर्भ संस्कार, पहला दिन तो गर्भाधान संस्कार पहला, दूसरा संस्कार है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब होता है अगर पेट में बच्चा रहते हुए माताएं गीता पढ़े, भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, भगवान की कथा सुने ना, अब देखना वो बच्चा इतना अच्छा बेटा बनेगा, इतने बढ़िया बेटा आज्ञाकारी बेटा बनेगा, तुम्हारी बड़ी सेवा करेंगे। लेकिन अगर गर्भ में बच्चे रहते हुए डिस्को ध्यान उल्टा पुल्टा फिल्म गंदी गंदी चीज देखो ना, तो बच्चा फिर गुंडा बन करके डाकू बन कर जन्म लेगा बच्चा है, तो फिर बच्चा डाकू बन कर जन्म लेगा। आप लोग रामायण सुने हो, कौन कौन रामायण सुने हो, देखे हो रामायण, देखना माँ सीता जब गर्भ धारण की थी, भगवान राम ने बड़े बड़े साधु संतों को उन्होंने बुलाया, बड़े बड़े संत लोग आए। भगवान राम कहते सीते तेरे को पता है आज मैंने इतने संत समाज क्यों बुलाए? बोले नहीं प्रभु जी। बोले सीते अभी तू गर्भ धारण की हो, अगर तू सत्संग सुनोगे ना, तेरे गर्भ में जो बच्चे है बड़े संस्कार बन करके जन्म लेंगे। इसलिए आप लव उसका चरित्र देखे होंगे, इतने ज्ञानी बने, प्रभु राम को था सुना रहे थे, अयोध्या वासी बैठ बैठ कर सुन सुन करके आश्चर्य चकित हो रहे थे। इसलिए नियम है गर्भ में बच्चे रहते हुए माताओं को भगवान गीता भागवत पढ़नी चाहिए, उल्टा पुल्टा चीज को नहीं देखनी चाहिए, ठीक है ना। ये गर्भाधान गर्भ संस्कार है। लेकिन ये जो धुंधली थी, धुंधली मतलब अज्ञान अंधकार है, अंधकार है, धुंधला पड़े हैं भैया, ये संतों का फल को कहाँ स्वीकार करती है, वो तो दुखी हो गई। उसको सहेली आए तो बोले दुखी क्यों, बोले संत ने बताया इसको खाने से गर्भ धारण करूंगी और बेटा होगा। बोले भैया ये पुरुषों को क्या पता है गर्भ में संतान होने पर क्या कष्ट है, चोर डाकू आएंगे तो भाग नहीं पाऊंगी, अरे बढ़िया बढ़िया खा नहीं पाऊंगी, अरे प्रसव वेदना, अरे बच्चों को लालन पालन भी कठिनी है, जगत में कोई सुखी बाज नहीं तो विधवा। बोले चिंता क्यों करते हो,
मेरे पति को पास में ज्यादा पैसा नहीं, तेरे पति को पास में ज्यादा पैसा, एक काम करो मेरे पति को कुछ पैसा दे दो, तुम पेट में कपड़ा बांध करके ना सोते रहो, और ये फल को परीक्षा करने के लिए गैया को खिला दो। उसने ऐसे कर दी, ऐसे की तो उसने जो गैया कभी बच्चा जन्म नहीं देता था, संतों का आशीर्वाद है ना, वो तो कभी व्यर्थ जाएगा नहीं, वो गैया भी एक सुंदर बच्चा जन्म दिया। शरीर इंसान जैसे, कान गैया की कान जैसे, सारा दुनिया देखने के लिए आए। बोले भैया ठाकुर जब देते नहीं, देते नहीं, जब देते है ना ठाकुर जी, छपर फाड़ करके ठाकुर जी देते हैं। हाँ देखो एक छोटी सी कथा दूं, ठाकुर जी छपर फाड़ करके कैसे देते हैं। बोले दो पति पत्नी थे, बड़े भक्त है, बड़े भक्ति करने वाले। एक दिन पति शौच क्रिया में गया था, शौच क्रिया के बाद में मिट्टी, मिट्टी से हाथ साफ करते हैं, जब उसने मिट्टी को उठाया देखा वहां पर एक ढक्कन अपना निकल गया, देखा एक कलसी है जिसमें सोने हीरे जवाहरातों से भरा पड़ा हुआ। बोले राम 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 राम, सवेरे माया के दर्शन हो गए, उसको छोड़ करके आ गया और अपना पत्नी को ये बात बता रहा था। इतने में उसकी घर को पीछे कुछ चोर चोरी करने के लिए आए थे, सुन लिया। बोले भैया ये तो बड़ा मूर्ख है, वो छोड़ करके आ गया, अच्छा हुआ हमने सुन लिया, चलो हम उठा करके ले आते हैं। जब वो चोर लोग गए, वो ढक्कन को खोले ना, उसमें जहरीले सर्प और बिच्छू तपे। बोले भैया ये तो हमें मरवाने के लिए उपाय बोला, चलो ये कलसी को लेकर उसको घर में फेंक करके आएंगे। वो संत था ना, इसलिए उसको हीरे जवाहरात दिखा, ये दुष्ट थे इसलिए उनको सर्प पर जहरीले ततैया दिखे। वो कलसी को लेकर के छत के ऊपर में गए और छत को उनको काटा, करत से काट करके उसने ऊपर से उसको फेंका। बोले तू मर, हमें मरवाना चाह रहा था, लेकिन जो फेंका है ना उसमें क्या था बताओ, जिसमें हीरे जवाहरात सोना से भरा हुआ था। जब फेंके ना मटकी फूट गई, उसको घर घर में सोने चांदी से भर गया। बोले भैया जब ठाकुर देते नहीं, देते नहीं, जब देते हैं कैसे देते हैं, छपर फाड़ करके देते हैं। बोले कोई बात नहीं, हमने तो छोड़ करके आ गया, अब ठाकुर को इच्छा से आया, कोई बात नहीं, रोज रोज भंडारा करो, ठाकुर को भोग लगाओ और संत और सब भक्तों को भोजन खिलाओ। रोज रोज भंडारा उन्होंने किया, ठाकुर को सेवा करवाया, इसलिए दुनिया देखने के लिए आए। और दोनों बच्चे जब बड़े हुए ना, एक होता है नामकरण संस्कार, इसका मतलब किया ऐसे नहीं, बच्चों का टुन्नू बुल्लू टिक्की पिक्की जो इच्छा सब कुत्तों का नाम पकड़वा दो, नहीं, जन्म नक्षत्र को देखो, देख करके उसका एक अक्षर निकालो, अक्षर निकाल कर ठाकुर का नाम हो नहीं तो भगवान ही भक्त का नाम रखो। हम आगे सुनेंगे अजामिल ने छोटा बेटा का नाम नारायण रख दिया, केवल अपना बेटे को नारायण करते करते अंतिम समय में नारायण कैसे निकल गया, वो सीधा भगवत धाम में चला गया, सारे पाप नष्ट हो गया। इसलिए नाम ऐसे तैसे नहीं रखने चाहिए, नहीं तो शादी का समय ना, जब आप जन्म पत्र मिलाओगे, मिलेगा नहीं फिर जन्म पत्र, फिर तो शादी तो वो लड़ाई झगड़ा होगी, फिर डाइवोर्स हो जाएगी। हाँ इसलिए ये सब साइंस है, ऋषि मुनियों ने जो विधान दिया है ना वो साइंस है, अगर उसके अनुरूप अगर चलोगे ना संसार में शांति और सुख मिलेगी। इसलिए क्या किया वो धुंधुली ने, जोर जबरदस्ती बेटा का नाम, बोले मेरा नाम धुंधुली, इसका नाम होगा धुंधुकारी, और एक का नाम रख दिया गोकर्ण। दोनों बड़े हुए तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी और धुंधुकारी महाकाल दुष्ट बना, क्योंकि संतों को धोखे दिए ना, किसी बच्चे को कुएं को सामने देकर धक्का मारकर गिरा दे, किसी घर में आग लगा दे, चोरी करे, शाम होते ही 10-20 शिकायत, तेरे बेटा ऐसे किया ऐसे किया। उसने कहा हे भगवान किसी डाकू को मैंने घर में पाल लिया और पिताजी को खूब पीटे खूब मारे, बताओ पैसा कहाँ रखे हो, पैसा दो शराब पीऊंगा जुआ खेलूंगा मांस खाऊंगा। पिताजी दुखी होकर के गोकर्ण को पास में गए, गोकर्ण अच्छी अच्छी ज्ञान की बात बताए। बोले पिताजी स्वर्ग का इंद्र भी सुखी नहीं, पृथ्वी का राजा भी सुखी नहीं, पिताजी सुखी तो वही है जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को भजन करते हैं। पिताजी ये अज्ञान रूपी अंधकार को त्याग दो, सत्संग में जाओ, भगवान की भजन भक्ति करो, इससे आपको शांति मिलेगी पिताजी, और श्रीमद् भागवत ग्रंथ को पढ़ो। हमने घर छोड़कर चले गए, कल्याण हो गया, घर में भैया
अभी मैया को रोज पीटे रोज मारे, बताओ पिताजी कहां पैसा रख कर गए। एक दिन दुखी होकर के कुएं में उन्होंने आत्महत्या की। उसने छह छह वेश्याओं को घर में बुलाकर रख दिया, राज दरबार में डाकू डाल करके बहुत पैसा खिलाए। वेश्याओं ने देखा सवेरे होते ही सियाट लग जाएगी, पकड़े गए तो सबके सब जेल जाएंगे। रात में पूरी तरह से गले में रस्सी की फांस लगा करके कोयला अंगार को ठोस ठोस करके उसको मारे और घर में गार करके चली गई। उसने चल गया प्रेत। जब गोकर्ण घर में आया देखा प्रेत बनकर बैठा हुआ, बोले भैया तेरे नाम पर मैंने गया में पिंड दिया, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतने पाप किया, मेरे नाम पर 100 बार भी पिंड दो मेरी उद्धार नहीं होगा। फिर उन्होंने सूर्य देव को प्रश्न किया, सूर्य ने कहा भागवत कथा सुनाओ इसी से मुक्ति होगी। फिर उन्होंने सबको बुला करके 7 गांठ की बांस काट दिए, 7 दिन में 7 गांठ फट गई। वैकुंठ से रथ आया, उसने चतुर्भुज धारण करते हुए जब रथ में बैठ करके वैकुंठ जा रहा था, गोकर्ण ने प्रश्न किया, बोले भैया यहाँ पर तो कथा सुनने के लिए इतने लोग बैठे हुए, आप सबके लिए रथ क्यों नहीं लाए, आप एक रथ क्यों लाए। बोले देखो यहाँ पर जो कथा सुन रहे ना, ये धुंधुकारी जैसे एक मन से कथा सुनी, यहाँ पर ऐसे कोई एक मन से कथा नहीं सुने। इसलिए कथा सुनने का पहला नियम है, बोले विश्वास गुरु भक्ति सो, पहला नियम ध्यान देकर सुनो कथा कैसे सुननी चाहिए तब फल मिलेगा। पहला नंबर है विश्वास गुरु भक्ति सो, पहले गुरु जी की वाक्य पर विश्वास हो, शास्त्र ग्रंथ में विश्वास हो। अगर कोई बोलेगा सोचेगा अरे सब भूत पिशाच कोसी ने देखा, ये सब झूठ मूठ का बात है, वो पंडित लोगों ने पेट पालने के लिए सब गप्पे बना दिए, फिर तो ये कथा सुनने पर भी आपको फल नहीं मिलेगा। क्यों? आपको कथा में विश्वास नहीं। एक बच्चा देखना जैसे पढ़ाई करता है, 25 साल के बाद में कोई सीए ने के डॉक्टर इंजीनियर बनता है, लेकिन 25 साल तक पता नहीं नौकरी मिलेगा कि नहीं, लेकिन कितने परिश्रम वो बच्चा करता है, कितने जब एग्जाम आता है ना, जो सीए करते हैं डॉक्टर भी करते हैं, जब पेपर आता है 10-10, 15-15 घंटा कैसे डरता है पागल जैसे। कल अगर पेपर होना देखना, रात भर सोएगा नहीं, पूरा पुस्तक दिमाग में लेकर पेपर देता है, कितने लाख रुपया खर्चा करता है, कितने परिश्रम करता है। बोले भैया नौकरी मिलेगा पैसा कमाओगे क्या, पैसा सुखी हो जाओगे, जिनको पैसा मिला कोई सुखी हो गए। जब इसी के लिए इतने विश्वास है, अगर शास्त्र में तुम्हारे विश्वास नहीं तर तो तुम्हारी कल्याण कैसे होगा, तुम्हारी मंगल कैसे होगा। इसलिए सबसे पहले बताया विश्वास, अगर विश्वास नहीं हो तो कभी ये कथा तुम्हें फल नहीं देगा। दूसरा नियम क्या, बोले स्वस्मिन दिनत्व भाव, दीन हीन होकर के कथा सुनना पड़ेगा है। और जो तीसरा बोले मन दोष जयस्त सा, कथा सुनने के लिए मन को एकाग्र बनाओ, क्योंकि मन 11 इंद्रियां हमारी, 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया, लेकिन इसका राजा कौन है, बोले मन, ये मन ही मैं नहीं। अगर एक मन से कथा नहीं सुनोगे, शरीर यहाँ पर बैठा हुआ, अगर मन और कहीं, कथा सुनने का फल नहीं मिलेगा। बोले यहाँ पर जो कथा सुन रहे थे ना, इसका तो विश्वास नहीं था, किसने दीन ही होकर दीन ही पर सुने नहीं, किसने एक मन से कथा नहीं सुने, इसलिए फल नहीं मिला। इसलिए श्री स्कंध पुराण में बताए श्रोता दो तरह के, देखो अभी ध्यान देकर सुनो, 2-4 घंटे हो गए, मैं देखूंगा किसको याद रहता है कथा कैसे सुननी चाहिए। श्रोता दो तरह के, कितने तरह से, दो, एक अच्छे श्रोता और एक साधारण श्रोता। जो अच्छे श्रोता हैं वो 4 ही तरह के, कितने तरह के, कल मैं पूछूंगा देखूंगा कौन किसको याद है। पहला नंबर है हंस, हंसों को अगर दूध दो ना, देखना वो दूध दूध तो को पी लेगा, पानी पानी को छोड़ देता है। बोले अच्छे श्रोता कौन है, बोले हंस। बोलो जैसे हंस दूध दूध पी करके पानी पानी को छोड़ देता है, हमें भी जीवन में सार सार को ग्रहण करो और असार को त्याग दो। दूसरा नंबर मधुमक्खी, एक मक्खी और एक मधुमक्खी। मक्खी क्या करता है, बोले गंदी चीज में बैठता है। मधुमक्खी कहां बैठता है, बोले फूलों में, कांटा में भी फूल क्यों नहीं हो, देखना
वहां भी बैठ करके शहद को लेगा और बड़े सुंदर मधुमक्खी छत्ता बना देती है। उसी तरह हमें मधुमक्खी बननी चाहिए, हर जगह से हमें शहद को संग्रह करो, मक्खी मत बना करो, गंदी चीज में मत बैठो, बैठो फूलों में बैठो और वहां से शहद लो। दूसरा तरह होगा मधुमक्खी, तीसरा तरह का मतलब मछली। मछली देखे हो आप लोगों ने, आप देखना मछली की आंखों का पलक कभी झपती नहीं, उसकी आंख खुली हुई आंख रहती है। कथा कैसे सुननी चाहिए, टक टक लगा करके एक मन से कथा की एक बात में चुप नहीं जाए, आंख पूरा आंख खोल करके कथा सुननी चाहिए मछली जैसे। चौथा बोले चातक, एक चकोरा चिड़िया होता है, वो किसी नदी का पानी पिएगा नहीं, किसी तालाब का पानी नहीं पिएगा, वो तब भी पानी पिएगा जब बारिश हो, वो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है और कोई पानी नहीं पिएगा वो, इसलिए वो चिड़िया हर समय प्यासा हम प्यासा हम प्यास प्यासी वो चिल्लाते रहता है। क्या उसी तरह भैया कथा सुनेंगे तो ऐसे नहीं बैठ करके दुनिया की सारी बात को गप्पे मार कर दे, नहीं सुनेंगे तो ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, बोलेंगे तो ठाकुर की बात बोलेंगे, ठीक है ना, और जपेंगे तो ठाकुर का नाम ही जप करेंगे, दुनिया की कोई बात को हम नहीं सुनेंगे। ठाकुर चातक जैसे ये चार तरह का अच्छे हो गए, पर चार तरह का साधारण होता। पहला नंबर है भुरुंग, ये एक चिड़िया रहता है हिमालय पर्वत में, ये चिड़िया की एक स्वभाव है, आप इसको जैसे बोलो ना आपको ठीक वैसे ही सुना देगा, लेकिन वो करते समय वो उल्टा करेगा, अपना जीवन में एक अक्षर नहीं उतारेगा, वो बोल सुनेगा सुना भी देगा लेकिन अपना जीवन में कोई अक्षर को उतारेगा नहीं। दूसरा नंबर ऊंट, आप लोग ऊंट देखे हो, देखे होंगे ऊंट को, आप ऊंट को कोई कोमल कोमल आम की पत्ता सुंदर सुंदर कोई पत्ता दो वो खाएगा नहीं, वो ढूंढेगा कांटा की पेड़ कहां पर, बबुल का पेड़ कहां पर, वो उसी पेड़ को खाएगा, मुंह से निकलेगा खून और उसी को खा खा कर बोलेगा प्यास में रस है। मतलब है जो भगवान की कथा में जिसको रुचि नहीं, जिसमें केवल कांटा काटता है ना, केवल वही कथा में जिसको रुचि है, हैं? इसलिए कहते हैं ये ऊंट है। कितना तरह का हो गया, दो। तीसरा बता है, तीसरा जो है कहते बैल, अब बैल को बड़े सुंदर सुंदर फल दो, उसको भूसा दे दो, उसमें कोई फर्क नहीं समझता, दोनों को बराबर मानता है। मतलब ठाकुर जी की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की कथा हो, बैठ कर गप्पे मारते रहो घंटे 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 घंटे, उसी में ही समय को बिताते। बोले नहीं भैया, ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है, 84 लाख जन्म के बाद में ये शरीर मिला, ठाकुर जी बारम्बार नहीं कहते हैं, ये 84 लाख योनि में एक ही जीवा मिला जिसमें हम राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकते हैं। इसलिए भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासियों को, ये मानव शरीर नहीं, साथ न धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई परलोक सवारा। भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए हो, ये 84 लाख जन्म भ्रमण करते करते किसी जीवन में भगवान का नाम कोई नहीं ले सकता, केवल मानव शरीर में ले सकते हैं, केवल दो ही हाथ दिए जिसमें हम ठाकुर का सेवा कर सकते हैं, दो ही कान दिए जिसमें कृष्ण कथा सुन सकते हैं, दो ही चरण दिए घर से यहाँ तक सत्संग में आए हो, केवल दो ही आंख दिए जिसमें ठाकुर दर्शन कर सकते हो, एक ही हृदय दिए जिसमें ठाकुर को तुम स्मरण कर सकते हो। इसलिए भगवान राम कहते ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये मुक्ति की दरवाजा पर तुम खड़े हुए हो, लेकिन पाई न जई पर लोक सवारा, लेकिन जिसको भगवान मानव शरीर दिए, लेकिन ये जीवन पा कर दुनिया की बकवास में जो जीवन को जो बिता दिया, भगवान फिर मानव शरीर नहीं देंगे। इसलिए हमें बैल नहीं बननी चाहिए, हर चीज में मुंह नहीं मारनी चाहिए, मुंह मारो तो ठाकुर कथा में मुंह मारो। चौथा नंबर बोले क्या क्या बोला अपने याद नहीं ना, पहला नंबर हो गया घोरो, दूसरा नंबर हो गया ऊंट हो गया, तीसरा नंबर हो गया बैल, बोले चौथा नंबर भेड़िया, एक छोटा जाति का बाघ होता है, वो क्या करता है जब हिरण कोई सुलीली शब्द से एकदम मुक्त हो जाए उसी समय में उसके ऊपर वो आक्रमण करता है,
मतलब क्या है, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कथा सुनते नहीं, लेकिन जो कथा सुनते हैं ना एक मन से, उसको सुनने नहीं, बिना कारण के कारण पास में बैठ करके बात करेगा। तुम्हारे घर में क्या खाना बना था, उसको छोरा ने क्या क्या कर, पता उसको छोरी ने क्या किया, बिना कारण के सुनेगा नहीं और पास में बैठने वाले को सुनने के देगा। इसको कहते हैं ये भेड़िया है, ठीक है ना। बोले भैया की जो कथा चार तरह की, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। बोले सात्विक की कथा किसको कहते हैं, एक महीना हो दो महीना हो कथा तो सुनेंगे, लेकिन उसको बाद में फिर कथा से कोई मतलब नहीं। बोले राजस की कथा किसको कहते हैं, बड़े ठाड़ बाड़ से कथा की आयोजन की, सबको निमंत्रण दिए, भैया कथा हो रही है कथा सुनने के लिए आओ, लेकिन कभी कभी व्यवस्था में इतने बिजी हो जाते हैं, जो मेन वस्तु कथा सुनाओ कथा नहीं सुन पाते। कभी राजस की कथा, ये भी कथा सही नहीं। तामस की कथा, जैसे सात दिन तक कथा रखे, इच्छा हो गया बैठ गए, इच्छा नहीं हुआ एक चक्कर लगा करके आ गए, कभी आधा में आए, कभी लास्ट में आए, कभी मन देकर सुने, कभी सुने ही नहीं। बोले किसी तरह से सात दिन को किस तरह बिता देना, कभी ये तामस की कथा, ये कथा भी सही नहीं। बोले भैया सही कथा क्या है, बोले सही कथा है सदा से व्याम श्रीमती भागवत कथा। जिसने अपना जीवन को ही भागवत में बना, रोज नियम करके घर में भागवत गीता हो, रामायण हो, सद ग्रंथ को रोज घर में पढ़े, रोज घर में सद ग्रंथ को अध्ययन करे, थोड़ी समय भागवत में तो यहां तक बताए, अगर भागवत का एक श्लोक ही पढ़ ले, एक नहीं हो आधा श्लोक की पढ़ ले, आधा नहीं एक चौथाई श्लोक जो पढ़ ले, उसकी घर में बांके बिहारी राधा रानी को साथ में लेकर निवास करते, जो घर में इतना केवल भागवत का पाठ कर ले, इतने महत्व है। इसलिए नियम है अपना घर में रोज नियम करके सद ग्रंथ को, ऐसे उल्टा पुल्टा ग्रंथ नहीं, मूल ग्रंथ हो, सद ग्रंथ हो, गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, इसको रोज रोज पढ़े। पहले माताएं क्या करती थी, पहले ये टीवी नहीं होता था ना, स्मार्टफोन नहीं होता था, टीवी नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, इसलिए सब लोग क्या करते, मंदिर में जाते थे, सत्संग सुनते थे, समय हो तो गीता भागवत पढ़ते थे। अभी सब उल्टा पुल्टा चीज आ करके ना हमारे सबको संस्कृति को पूरा नष्ट कर दिया है, सब उल्टा पुल्टा संस्कृति हमारी जो सनातन धर्म को उसने नष्ट कर दिया। पहले गीता भागवत पढ़ते थे, इसलिए उनको पता रहता था भैया ये जीवन दुर्लभ जीवन है, ये जीवन पा करके प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। इसलिए यही सही कथा है। अगर ये भागवत और श्रोता तीन तरह के, श्रोता सोता और सरता। बोले श्रोता सोता सरता मतलब, बोले सोता कौन है, बोले देख करके बैठे, कहां बैठने पर बढ़िया सोना होगा, सो सकते हो, देख देख सो रही है, बैठेगी यहीं पर, बैठने पर बढ़िया नींद आएगी। बोले सरता मतलब क्या, बोले कथा से जिनकी कोई मतलब नहीं वो केवल दोष देखने के लिए आते हैं। अरे नवग्रह नहीं रखा, यहाँ पर तोता तो रखा नहीं, यहाँ पर तब केला का पेड़ नहीं लगाया, कथा से कोई मतलब नहीं उनकी, केवल दोष देखने के लिए आते हैं। और श्रोता कौन है, जो भागवत का हंस, चातक, मछली और मधुमक्खी जैसे सार लो और असार को त्याग दो और भगवान की जीवन में भक्ति करो। इसलिए जब उन्होंने ये बात बताई ना, अरे गोकर्ण ने बोले भैया देख लिया हमने कथा सुनी तभी कथा की फल नहीं मिला, कल से फिर दोबारा कथा करूंगा, ज्यादा दिन नहीं सात दिन, सबके सब एक मन से कथा सुने। नियम है कथा से ठीक समय पर आए और कथा को एक मन से सुने। और मैं पहले बताया ना ये कथा नहीं ये कल्प प्रक्रिया है, कल्प प्रक्रिया मतलब नियम करके अगर कथा को सुनोगे। अभी मैं गर्जर का भी कथा करके आया, एक माता की 20 साल से घर में संतान नहीं हो रही, लेकिन ये भागवत नियम से सुनी, भागवत में फल ला कर रखा, अभी उसकी संतान हुई। मैंने ये जनकपुरी मठ में कथा किया था, मग्ज मठ में, वहां पर भी 10 साल तक बच्चा नहीं हो रहा था, लेकिन भागवत कथा सुना तो उनको संतान हुई। जिनकी बड़े बड़े बीमारी रोग थी, जो कोई दवा काम नहीं करता था, कथा सुने तो सारी बीमारी खत्म हो गई। क्योंकि जो भागवत है, जो मांगोगे भागवत से, अगर ठीक ठीक से कथा सुनो भागवत की, जो मांगोगे ना भागवत सब कुछ देता है, क्योंकि भागवत ये कल्प प्रज्ञा है। इसलिए
अब लोग नियम से कथा सुनना, नियम तो बहुत कुछ है। पहला नियम बताया, बिना खाए पिए 7 दिन तक सुनो। बोले भैया भूखे ना भजन भाई गोपाल, हम तो कथा सुन ही नहीं सकते। बोले ऐसा नहीं है तो 7 दिन तक घी पी पी कर सुनो। बोले घी पिएगा तो पेट बदला हो जाएगा, बैठ नहीं पाएंगे। बोला अगर ऐसे नहीं होता है फलाहार करके कथा सुनो। बोला ये तो ठीक है। बोला अगर ऐसे नहीं हो, सबसे जो बढ़िया नियम बताया, एक बार अच्छे तरह से भोजन करो और एक बार फलाहार करो, इसको सबसे बेस्ट बताया। अगर इतने में अगर कष्ट होता है, बोले भैया जितना बार भोजन करना करो कोई बात नहीं, लेकिन कथा को ठीक से, कथा को ठीक से कथा को सुना और भागवत हमारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी। ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कल कितना कितने बजे से कथा हुई, 4 से लेकर के 8 साढ़े 8 अंदर में हम कथा को विश्राम कर देंगे और आप लोग सबको प्रसाद है, सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था। देखो सबसे बड़ा जो समस्या घर में ना, यहाँ से जाकर अपने भोजन बनाने सबसे बड़ी समस्या, लेकिन यहाँ पर तो प्रसाद मिलेगा है। जब प्रसाद मिलेगा सब परिवार को सबको लेकर के आना, कथा भी सुनना और प्रसाद भी पाना। अभी सुन रहे थे ना ऋषि कैसे अनजान में कथा सुने और ठाकुर को प्रसाद पाए तो क्या फल उसको मिला, उसको देश का राजा और लास्ट में भगवत धाम को उन्होंने गमन किया। इसलिए भागवत कथा की बड़ी महिमा। कल जितने माताएं और भैया लोग एक एक भक्त लोग 10-10 भक्तों को साथ में लेकर के आना, क्योंकि जिनको लाओगे उनका आधा तुम्हें आपको मिलेगा। ठीक है। प्रभु जी एक भजन गाएंगे नाचने वाले, आप सबके सब खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ, कीर्तन में नृत्य करना और प्रसाद पात्र जय जय श्री हरे राम की बन बन जाऊंगे Thank you.
के लिए सभी खड़े हो जाए। श्री भागवत भगवान की है।